नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मिशन 2023 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन सड़क से सदन तक छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने में जुटा है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को लगने लगा है कि 2023 मिशन को जीतने के लिए नेताओं का पुत्र मोह रुकावट बन सकता है। इस बात पर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने भाजपा नेताओं को पुत्र मोह से दूर रहने की नसीहत दी और आम कार्यकर्ता की तरजीह पर ही काम करने की बात कही है। साथ ही साथ बीजेपी बेरोजगारी, अपराध, शराब के विरोध में भी सड़क पर आंदोलन कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पुत्र मोह के मुद्दे पर बीजेपी पर कटाक्ष भी किया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लक्ष्य के साथ भाजपा सड़क से सदन तक की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने दो टूक शब्दों में पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में नहीं है, सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता बनकर ही मिलना होगा, उन्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी के लिए सभी बराबर हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी ने दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मोह को छोड़ना चाहिए, उबरना चाहिए, तो आपकी पार्टी और मजबूत होगी। कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, इसको बचा करके रखना है, परिवारवाद में ढकेलना नहीं है। इसलिए मेरा पुत्र है इसलिए पदाधिकारी बने, ये औचित्य का विषय नहीं। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और न समझे, पार्टी का अस्तित्व है इसलिए हमारा अस्तित्व है, और पार्टी से ऊपर जो अपने आप को समझा वो कहीं का नहीं रहा। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को पार्टी से मिली नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी की विधानसभा में भी देखी गई है। बीजेपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से पहले अपने अंदर का परिवारवाद छोड़े, यही उसके लिए बेहतर होगा। प्रतिपक्ष 3 साल बाद 3 महीने के मुद्दे बना करके लगभग सड़क में अब दिखाई देगी, ऐसा उनका सोचना है, लेकिन हमने सदन में जो देखा इससे तो आभास होता है। और आज कल ही उनके राष्ट्रीय जो संगठन के महामंत्री हैं उनका बयान जो आया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो ये तो उसी प्रकार बयान है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने ठीक चुनाव पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमीशनखोरी बंद करो, तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार को बेरोजगारी, अपराध के मुद्दे पर भी घेरेगी। अनएम्प्लॉयड यूथ को दे विल बी अनएम्प्लॉयड, नॉट अ पेंशन बट अनएम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट ऑफ 2500 रुपीज, पर अभी तक कोई युवा को वो नहीं मिला। ऑलमोस्ट 10 लाख युवा आज वंचित रहे, और वैसे ही खुद उनके असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जैसे बठेना एंड कुरमुदा दोनों जगहों में 5 लोगों का 1 बार और 4 लोगों का 1 बार हत्या हुआ है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और महिलाओं पर दिन ब दिन आज अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से भाजपा संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले भाजपा नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर पुत्र मोह छोड़ेंगे या नहीं, ये अगले चुनाव में पता चल जाएगा। निशा द्विवेदी के साथ जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। बीजेपी से नेता अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अनुराग अग्रवाल जी आप इससे कर रही हूं, तैयारियां 2023 को लेकर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि पुत्र मोह नेता त्याग दें? वंदना जी, मुझे लगता है कि 1.5 घंटे तक जब लगातार हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बोलते रहे, तो वो एक पारिवारिक बैठक थी और उस बैठक में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वहां जो बातें हुई मुझे लगता है बाहर के जितनी भी बातें गई उससे बिल्कुल विपरीत बातें गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार का भाव लिए होता है, इसमें परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। मैं पूरा अपनी बात दोहराना चाहूंगा, माननीय शिव प्रसाद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार का भाव लिए हुए
संगठन है जिसमें परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं अभी लगातार बंगाल के दौरे में व्यस्त है, बंगाल में चुनावी रणनीति है और चुनावी कार्य में व्यस्त है। वहां उन्होंने देखा है इस बात को कि बंगाल जहां कभी कांग्रेस सशक्त होता था, ममता बनर्जी जहां सशक्तता का दम भरती थी, आज पुत्र मोह में अपने भतीजे अभिषेक की जमीन तैयार कर रही है। और जो कांग्रेस वहां पर अनुराग जी, लेकिन पुत्र मोह को लेकर रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि निशाना रमन सिंह पर था। मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस तो इस बारे में ना बोले, मुझे लगता है चलनी बोले, मतलब चलनी कहे सुई से तो पाछू में छेदा, जिसका पूरा का पूरा दल राष्ट्रीय नेतृत्व वंशवाद पे आधारित है। इन्होंने वंशवाद की बेल, अमर बेल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के कई टुकड़े कर डाले 1972 में, 1977 में, और आज तक एक ही परिवार उस पार्टी में काबिज है, वो वंशवाद की बात करें। और इतनी दुर्भाग्य की बात है कि वो तो 2 साल से अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहा है, अयोग्य अध्यक्ष जो इस्तीफा दे चुका है, एक अनिच्छुक राजनेता जिसे जबरदस्ती अंतरिम अध्यक्ष बना के रखे, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पार्टी के अंदरूनी मामलों की ओर ध्यान में देनी चाहिए, दूसरी पार्टी के वंशवाद की बात करना इन्हें तो कतई कतई सफा नहीं देता। नितिन जी, रविंद्र चौबे तो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा में भी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की देखी गई है। बिल्कुल देखी गई है, हाँ जगह देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का मुझे याद आता है जब चुनाव हारे थे, 15 साल सत्ता में रहे, 15 सीटें मिली तो दुख तो था, तो जब उस विषय पर मंथन कर लिए बैठे तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जो कि खुद चुनाव हार गए, सॉरी चुनाव जीते और अभी वो नेता प्रतिपक्ष है जिनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव हारी, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं ने मन लगाकर काम नहीं किया, इस वजह से हम चुनाव हार गए। ये कार्यकर्ताओं का अपमान है। कल जैसे कि मीटिंग में इनके संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने ये कहा कि गुटबाजी छोड़ो, पुत्र मोह छोड़ो और अहंकार छोड़ो, ये सारी चीजें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की और इंगित करती है। क्योंकि आप देखिए प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जी के हिसाब से ही चल रहा है। सारे हारे हुए लोगों को यहाँ पर महत्व मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में खोल निराशा है। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष जो है अभी धर्मलाल कौशिक जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, 15 वर्षों की सरकार 15 सीटों में सिमट कर रह गई। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, ये तो थे ही, दो और ऐसे लोग हैं जिनको कि पद दिया गया, खुद डॉक्टर रमन सिंह जिनके नेतृत्व में सरकार यहाँ से बीजेपी के हाथ से निकली, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, और हारे हुए लोगों को लगातार यहाँ पर तवज्जो दी गई। और एक चीज और जो है, कार्यकर्ता जहाँ पर बहुत मायूस है वो ये बात है कि जो लोग उस समय सत्ता में थे आज वही लोग संगठन में है, मतलब कार्यकर्ताओं की पूछपरछ नहीं है। साथ ही जो इन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ो, अब देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी आज भी ब्लैक टैग कमांडो की सुरक्षा में गिरे हुए हैं, यदि किसी पार्टी के कार्यकर्ता को उनसे मिलना हो तो एड़ी चोटी लगानी पड़ती है। तो इन सारी चीजों को मिश्रण करके जो उन्होंने कहा, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी की ओर ही इशारा किया और यह बात जो है जो सबको समझ में आ रही है। और लगातार हम युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, अन्य संगठनों की, इनके संगठन के अंदर जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी कुछ दूसरे के खिलाफ लिखते रहते हैं, अब उतनी बड़ी डिबेट में उतना बड़ा समय नहीं है। संजय शेखर जी, गुटबाजी की आपको भी नजर आती है, आप किस तरह से देखते हैं? और सवाल ये भी कि जिस तरीके से ये बैठक हुई है और इस बैठक में पुत्र मोह की बात की गई है, पार्टी तो कार्यकर्ताओं के नाम पर जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, अगर वहां पर भी परिवार छोड़ने की बात कही जाए, नसीहत दी जाए, तो क्या समझेंगे इसको? देखिए दोनों बात जो है वो अर्ध सत्य है, सच्चाई भी है और कुछ अतिशयोक्ति भी है। देखिए पुत्र मोह की बात वहां से आती है जब अभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के उसमें नियुक्तियों की बात हुई तो दो बार जो है वो अंतिम समय सीमा दे जाने के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। और उसके पीछे मूल वजह यही रही है कि तमाम नेता जो है वो अपने पुत्रों को या अपने चहेतों को उसमें पेश करने में लगे रहे, और यही वजह है कि चाहे वो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बात हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी की बात हो, उसके गठन में काफी देरी हुई और ये बातें वहीं से निकलती है। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह का सवाल है तो डॉक्टर रमन सिंह की बात मुझे सही प्रतीत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके पुत्र सांसद थे और जब केंद्रीय नेतृत्व ने
ये फैसला किया कि तमाम सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, तो मुझे याद नहीं आता है कि डॉक्टर रमन सिंह का कहीं भी कोई बयान आया हो कि उनके पुत्र को टिकट दी जानी चाहिए या उसके लिए उन्होंने कोई लॉबिंग की हो, इस तरह की स्थिति कहीं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के रहते ये संभव भी नहीं है। अच्छा संजय शेखर जी, वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, डी पुरंदेश्वरी जब से आई है भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है, और जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात की जा रही, महंगाई की बात की जा रही, कानून व्यवस्था, अपराध का जो मुद्दा है, क्या उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन बातों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष के अपने दायित्व है, विपक्ष के अपने दायित्व है, दोनों अपने दायित्वों में लगी हुई है। लेकिन अभी पहले जो आपने कहा सवाल, उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि गुटबाजी का जहां तक प्रश्न है, विधानसभा में जरूर ये देखने को मिला, हालांकि 15 सदस्य होने के बावजूद बहुत आक्रामक विपक्ष था, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और कई दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी होता हुआ भी दिखा। लेकिन दूसरा सच ये भी था कि कई बार ऐसी स्थिति थी कि नेता प्रतिपक्ष का रुख किसी मुद्दे से अलग था और अजय चंद्राकर या बाकी नेता जो है उनका रुख अलग होता था और वो भी घोषणा करके विधानसभा से बहिर्गमन कर जाते थे, तो ये स्थितियां दिखी है। लेकिन आक्रामकता के अगर की बात करेंगे तो विधानसभा में बहुत आक्रामक विपक्ष के रूप में देखने को मिला है विपक्ष का फेवरेट। जहां तक बाकी मुद्दों का सवाल है तो निश्चित तौर पर अब करीब 2.5 साल सरकार के बीत गए हैं, 2.5 साल के बाद तो अब अगर एक मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता में वापसी के लिए अगर तैयारी करेंगे बीजेपी वाले तो उनको सदन से लेकर के सड़क देखना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है एक जुझारू नेतृत्व है भूपेश बघेल का, जो कि सदन में तो है ही, मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन एक बहुत ही जुझारू नेता है और सड़क पर भी काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे मुकाबला अगर करना है तो उसी टेबल के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सड़क से आनी पड़ेगी। अनुराग जी, जब अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ विभागों का गठन हुआ तब भी कहा जा रहा है कि कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने जोर आजमाइश की कि एडजस्ट कर दिया जाए उनके चहेतों को या उनके करीबियों को, ये भी खबरें हैं। वंदना जी, एक बहुत शानदार खूबसूरती बताऊंगा मैं लोकतंत्र खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सत्ता के माध्यम से सेवा करने का प्रेरणा रखती है, सत्ता के माध्यम से सुख भोगना कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा देता है। अब सांगठनिक गठन देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी में अगर जिला स्तर की बात करें तो सिर्फ 2 महामंत्री के पद होते हैं और 4 मंत्री और 4 उपाध्यक्ष के पद होते हैं। वहीं अगर अपन कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी कांग्रेस के विभिन्न जिला स्तरीय सूचियां जारी हुई थी, 31 महामंत्री, 41 संयुक्त महामंत्री, 31 सचिव और 40 के आसपास संयुक्त सचिव। इतना बड़ा कुनबा होने के बावजूद भी आप देखिएगा कि राजीव भवन में जाके कार्यकर्ता लोग पुतला दहन करते हैं, एक ब्लॉक अध्यक्ष बिलासपुर का एक ब्लॉक अध्यक्ष इतना उद्वेलित हो जाता है कि वो अपने विधायक का कालम पकड़ लेता है, विधायक को धमकी, इस्तीफे की धमकी देनी पड़ती है तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जबकि अगर 100 पदाधिकारी की एक तरफ बात करें कांग्रेस में तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 12 या 15 पदाधिकारियों की नियुक्तियां होती है। एक बात मैं कहना चाहूंगा वंदना जी, वास्तव में 2.5 साल में यह सरकार समझ गई है कि वो सारे मोर्चे पे विफल साबित की है। अब इस विफलता को दबाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न प्रकार के आरोप पड़ने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन एक बात समझिएगा, जनता कभी भी इन मुद्दों से पीछे हटने वाली नहीं, जनता का ध्यान भंग होने वाला नहीं। अपराध की स्थिति देखिए छत्तीसगढ़ में, जयस्तम चौक में हत्या होती है, हत्यारा वीडियो बनाता है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा वंदना जी की मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन क्षेत्र की घटना देखिए कि 85 दिन पहले 4 लोगों की निशुल्क हत्या हो जाती है, आज तक उसके अपराधी पकड़े नहीं गए। दूसरी उससे भी विभक्त घटना होती है, मुख्यमंत्री उसको आत्महत्या साबित करने के लिए लगे रहते हैं। शराब अनुराग जी ने इंगित किया, आपकी पार्टी में कैसे सिर्फ फुटबॉल हुआ या इनकी पार्टी में कैसे पार्टी हो रही है, लोगों का ध्यान इनकी आवाज मिक्स हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, रुकिए अनुराग जी। नितिन जी, बात हो रही है अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब सरकार को घेर रही है विपक्ष, तो क्या इसलिए इनका जो पारिवारिक मामला है या जो संगठन के अंदर बैठक में क्या कहा गया उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? हमको क्या मतलब है इनके पारिवारिक मामलों से? इनके संगठन महामंत्री आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, अखबारों में छप रहा है,
लोग बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स वाले डिबेट करा रहे, तो भाई बोलना तो पड़ेगा हमको। नहीं नहीं, कृषि मंत्री ने बोला ना सर। नहीं, इस विषय में बोलना तो पड़ेगा। अब रहा सवाल ये बार बार व्यवस्थाओं की, कानून व्यवस्थाओं की और इसकी उसकी बात कर रहे हैं, तो सौ चूहे खाकर बिल्ली हचकुल चली, किसियाई बिल्ली खंभा लोचे, ये दोनों कहावतें इन पे सूट होती है। इतनी अच्छी सेवा करते थे, कितनी बड़ी बात कही अनुराग अग्रवाल जी ने कि बीजेपी सेवा के लिए राजनीति में आती, हम सेवा हमारा उद्देश्य होता है। इतनी सेवा के उद्देश्य से आप लोगों ने काम किया, तो जनता ने 15 सालों तक शासन में आपके रहने के बाद 15 सीटों में क्यों सिमटा दिया आपको, और अब तो एक और हार गए, 14 में आ गए आप। ये आत्मचिंतन का मंथन का समय है, 2.25 साल निकल चुके हैं भाई, अभी भी समझ जाओ, थोड़ी अपनी नाक बचा लो, 15 के 20 हो जाना, उसके ज्यादा तो हम ऐसे भी आपको अगले चुनाव में होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग आपस में लड़ भी रहे हैं और आपका जो ये सेवा का जो तथाकथित सेवा का जो कल्चर नजर आ रहा है, आपकी पुरंदेश्वरी जी प्रभारी जो है आपकी, वो आके क्या कही थी वो भी मैं बता दूं कि बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे, क्यों कहा था भाई। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ नजर आया होगा, पर क्या करें, इनके प्रवक्ताओं को वहां से ऑफिस से। अच्छा, ये अभी गुटबाजी की बात कर रहे थे, तो इनको पूछिए, 2001 में जब राज्य गठन हुआ था 2000 में, और जब नेता प्रतिपक्ष का चयन करना था, तो उस मीटिंग में मारपीट होने के बाद टेबल के नीचे कौन छुपा था, पूछिए इनसे, तो ये जवाब देंगे। मुझे लगता है शायद वो नरेंद्र मोदी जी थे और यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर आए थे। देखिए, 2.5 साल हो गया है जिनके आगे, 26 महीने हो गए हैं, इनके प्रवक्ता विभिन्न समाचार चैनलों में चीख चीख कर कहते रहे कि 26 में 24 वादे हमने पूरे कर दिया, जनता के हित में कर दिया। इनका ही झूठी पोल खोलते हैं इनके मुख्यमंत्री जी, और विधानसभा के अंदर जवाब देते हैं कि हमने 14 वादों पे काम किया है। आप समझिएगा, कांग्रेस संजय शेखर जी, कार्यकर्ता जो इंतजार करते हैं, जो पार्टी के साथ उत्साह से काम करते हैं किसी उम्मीद पर कि उनको भी कभी ना कभी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अगर पुत्र मोह के चलते या फिर अपने चहेतों को एडजस्ट कराने के चक्कर में नेता इस तरीके की बातें करेंगे, तो जरूरत पड़ जाती है कि किसी भी पार्टी के महामंत्री को, संगठन को इस बात पर फोकस करना पड़ेगा, नसीहत देनी पड़ेगी। देखिए, नसीहत और दुर्भाग्यजनक ये है कि नसीहत देने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, दो दो टाइमलाइन दिया गया लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। और तो और बहुत ही दुर्भाग्यजनक है वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जानकारी भी होगी, राजधानी का नगर निगम है, सबसे बड़ा नगर निगम है, और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव पिछले करीब 2 साल से अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग गुट है, सभी अपने अपने चहेतों को उस पद पर बिठाना चाहते हैं, और कई दौर की बैठक होने के बावजूद आज तक जो है नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष से तय नहीं हो पाया। इसके लिए जो नगर निगम के सभापति हैं वो कई बार पत्र लिख चुके हैं लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भैया, इसको सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करनी पड़ेगी, और यदि सत्ता में वापसी करनी है तो ये जो गुटबाजियां हैं, ये अलग अलग जो खेमेबाजी है, और कहीं ना कहीं ये मोह है जिसकी वजह से नियुक्तियों में देरी हो रही है, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ, और जब इस तरह की दिक्कतें रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी आप पर तंज कसे जाएंगे। यद्यपि सत्ता पक्ष के पास भी जो है उनके विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं होता है और उनको घुमाने के लिए दूसरी बातें भी आती हैं, लेकिन क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं कमी है तो तंज तो कसा ही जाएगा और वो कसा जा रहा है। बिल्कुल अनुराग जी, अच्छा कौन कौन से मुद्दों पर आप लोग घेरने वाले हैं सरकार को, जरा खुलकर बता दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, सबसे पहले होता है अपराध, एक ऐसा मुद्दा जिसपे ये कभी आज तक ये जनता को सुरक्षा नहीं दे पाए। शराबबंदी का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी और इन्होंने शराबबंदी के लिए कमेटियां गठित की, आज 20 महीने हो गए कमेटियां गठित हुई, कमेटी में कितनी बैठक हुई है ये कभी बता नहीं पाएंगे, और शराबबंदी की जगह इन्होंने इसमें शराब का राजस्व लक्ष्य बढ़ा के 6000 करोड़ रुपए कर दिया। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अगर अचानक शराबबंदी करेंगे तो शायद सूखा नशा बढ़ जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये आशंका जाहिर करते हैं या ऑफर करते हैं। सारे सरकारी शराब दुकान में विभिन्न प्रदेशों की शराब मिलती है, एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेके हमारी महिलाएं
और हमारे पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके इनके विरोध में रहेगा। रोजगार एक इतना बड़ा मुद्दा था, इन्होंने कहा था कि विभिन्न क्लास बेरोजगार युवाओं को समाजमूलक कार्यों से जोड़कर 2500 रुपए प्रतिमा हम बेरोजगारी प्रोत्साहन भत्ता देंगे। आज 26 महीना हो गया, 64,000 रुपए की कर्जदार, 10 लाख युवा से 64,000 रुपए की कर्जदार हो गई है ये सरकार। अभी तक ये सरकार ने उस दिशा में कदम तक नहीं बढ़ाया है। महिला स्व सहायता समूह के आप कर्ज माफी की बात कर लीजिए, हाथी प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए कि पिछले 12 महीनों में लगभग 19 हाथियों की मौत हो गई। पुलिस के इनके सरकारी अधिकारी तक आज वन्य प्राणियों के तस्करी में सम्मिलित होते हैं। आर्थिक अनियमितताएं पूरे जल जीवन मिशन की बात देखिए, केंद्र सरकार की एक महती योजना जल जीवन मिशन, जिसमें इन्होंने गरीबों के घर स्वच्छ पेयजल बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिया, उसको सरकार काम नहीं कर रही है। इनको लगता है गरीब के सिर पे इनको छत मंजूर नहीं है। तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 8 लाख मकान थे, कांग्रेस शासन काल में तो नए मकान छोड़िए पुराने मकान के दूसरी और तीसरी किस्त नहीं दे पा रहे हैं इनके राज्यांग के कारण। ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज है। तमाम ऐसे मुद्दे आपके आपकी वादा खिलाफी के लिए जिसको लेकर सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे। अरे पहले खुद से तो लड़ लें, जिस विषय में डिबेट हो रही है खुद के संगठन से तो लड़ लें, खुद के स्व संगठन महामंत्री और अरे भाई साहब 100 आदमी नियुक्ति करने के बाद भी आपके विधायक के कदम को उठाए जाते हैं, फिर लड़ना, फिर आगे लड़ना, निगम मंडल में नियुक्ति नहीं हुई है क्या आप 15 में ठीक है आंतरिक बंदना जी अपना सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारी योजनाओं की संसद में तारीफ कर रही है, उन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का बड़ा प्रयास है। बता दें मनरेगा में पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आया है रोजगार देने के मामले में, तो ये कहते काम नहीं हुआ भाई, हर स्तर पर हर मोर्चे पर हम काम कर रहे हैं, ये कहते हैं रोजगार भत्ते की, हम रोजगार देने की दिशा की ओर काम कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए गौधन न्याय योजना की वजह से देखिए गांवों में किस तरीके से नए रोजगार सृजन। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके ही संसद की एक कमेटी ने लोकसभा में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि छत्तीसगढ़ की इस योजना का अनुसरण किया जाना चाहिए, ये पूरे देश में लागू हो तो इससे बेहतर नतीजे आएंगे। देखिए हाँ शराबबंदी दे दियाता हूँ, जिन लोगों ने 15 साल में सिर्फ शराबखोरी से ही धन कमाया हो उनको तो पहली बातें बोलने का अधिकार नहीं है। इनके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने हर बार कहा शराब बंद करेंगे, रक्षाबंधन का दिन रुक जाओ, ऐसे हाथ से राखी बंधवाते हुए रमन सिंह जी ने कहा था, बहनों को वचन दिया था, कीर्तिमान स्थापित किया शराब बिक्री के नाम से। आज मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, आज कर्नाटक में किसकी सरकार है, किसकी सरकार नोटबंदी के जरिए शराबबंदी नहीं होगा, सारी चीजें शराबबंदी होगी। और आपके विधायक क्यों नहीं आते, शराबबंदी की जो कमेटी बनाई गई है उसमें क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि कर्नाटक में वादा तो आपने किया था ना, लेकिन सुन लीजिए हमने वादा किया है, हम वचनबद्ध हैं, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, हम वचनबद्ध हैं। संजय वादा करना 5 साल के लिए संजय जी को बोल रहे थे, ठीक है आपकी बात आगे संजय जी बोल रहे हैं जी। वायदा जो है वो निश्चित तौर पर इनके लिए काफी मुश्किल भरा है कि उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि करीब करीब 5.5 से 6 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू का मामला है, सरकार का खजाना वैसे ही खाली है, लगातार आरबीआई की प्रतिभूतियां जो है उसको नीलाम की जा रही है, लगातार नए कर्ज लिए जा रहे हैं, 36,000 से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, आप लोगों को एक और रेवेन्यू का सोर्स जो कि बड़ा सोर्स है करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का सालाना का, उसको राज्य सरकार आसानी से छोड़ने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा
अभी कम से कम अगले एक दो साल तक तो ये बंद होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। आखिरी साल में जरूर कोई राजनीतिक फैसला संभव है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ले और उस समय कुछ बीच का रास्ता निकाले, लेकिन मुझे लगता है कि 2021 और 22 में तो बंद होना संभव अभी नहीं दिख रहा है। नितिन जी सही कह रहे हैं संजय जी, जहाँ तक सरकार का सवाल है उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं, सरकार के सामने बेरोजगारी है, बहुत सारे वायदे हैं जिसको अभी पूरी नहीं। ठीक है ठीक है नितिन जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। ओ जी नितिन जी, नहीं घोषणा पत्र में कहीं ये तो नहीं लिखा था कि एक साल में करेंगे दो साल में करेंगे। देखिए हम बता दें इस शराबबंदी के विषय में कि आजू बाजू के प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इंतजार करेंगे कि शराब साल आएगा तभी करेंगे। वंदना जी वंदना जी, मैं आठ राज्य जो है वो जहाँ पर शराबबंदी नहीं है उन राज्यों से घिरे हुए हैं, वहाँ से शराब की तस्करी से लेकर सारी चीजों की संभावना बनी हुई है। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिनको उस कमेटी में शराबबंदी की कमेटी में रखा गया उनसे सुझाव देने के लिए बुलाया जा रहा है, पर वो नहीं आ रहे, शायद वो नहीं चाहते कि शराबबंदी हो। पर मैं वादा करता हूँ कि नोटबंदी के जैसे शराबबंदी हम नहीं करेंगे, शराबबंदी करेंगे बंद मतलब। अब तो काफी वक्त हो गया, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वादा खिलाफी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि देखिए पहले आप अपनी गुटबाजी को खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप आंदोलन कीजिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।